हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बेस्ट ब्यूटी जंक्शन पर। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होली का त्यौहार आ रहा है और वाकई बहुत ज्यादा खुशियों का त्यौहार होता है, तो ये त्यौहार बिल्कुल भी आपके लिए दुख का कारण ना बने। इसीलिए आप थोड़ी सी सावधानी अगर बरतते हैं और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप उन्हें अपना लेते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और जो जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है या करना पड़ सकता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले होली से कुछ दिन पहले क्या नहीं करना चाहिए। होली से थोड़े से दिन पहले आपको कोई भी तरीके का स्किन ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं कराना है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएंगे, आपकी स्किन है वो सेंसिटिव हो जाएगी और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन पर हार्मफुल केमिकल कलर्स लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो किस तरीके के जो स्किन ट्रीटमेंट होते हैं वो आपको नहीं कराने, जैसे आपको फेशियल नहीं कराना, आपको जो फेस पर वैक्स कराते हैं वो नहीं करानी है, या फिर आप किसी तरीके के क्लीन अप वगैरह या और भी चीजें होती हैं जैसे पीलिंग है या स्क्रबिंग है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करानी है। सो इन चीजों से आपको बिल्कुल बचना है। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं हेयर के बारे में, यानी कि बालों के बारे में। तो बालों से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उन्हें भी कराने से आप होली से पहले कुछ दिन पहले ना कराएं, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि क्या होगा कि या तो वो सारा का सारा ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रेटनिंग है या आपकी केराटिन वगैरह है, वो थोड़ा सा समय लेता है और उसमें क्या होता है कि कोई हार्मफुल चीज आपके बालों पर अगर पड़ी उसको एकदम कराने के बाद तो वो सब कुछ खराब हो जाएगा। हेयर कलर भी आप ना कराएं, हेयर कलर भी अगर आपको कराना है तो होली के बाद कराने की कोशिश करें, तो हेयर कलर भी आप ना कराएं और हेयर स्पा भी ना कराएं, बिकॉज उससे आपकी हेयर की जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव हो जाती है और अगर ऐसे में हेयर कलर जो कलर्स हैं वो जाते हैं, लगते हैं आपकी स्कैल्प पर, तो बहुत ही नुकसान दे सकते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं नेल्स के बारे में। वह हमें बहुत अच्छे लगते हैं हमारे लंबे लंबे से जो नेल्स होते हैं वो, तो अगर आप लंबे नेल्स रखते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है लेकिन क्या नहीं करना है। तो अगर आप नहीं रखते हैं या आप काट सकते हैं उन्हें, तो उन्हें होली से पहले कट कर लें, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरीके का कलर ना भरे और वो आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारी बातें हो गई कि हमें बिल्कुल ही क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और अब हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें होली में रंग खेलने से पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जिससे कि हम जो कलर्स हैं उनके जो इफेक्ट हैं उससे बच सके और वो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहले तो हम स्किन की बात कर लेते हैं, तो स्किन यानी कि फेस की बात कर लेते हैं। तो फेस है या स्किन, मतलब आप समझ लीजिए आपके हाथ हैं पैर हैं, तो इन्हें अच्छे से आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है। और कुछ लोग तो तेल लगाना पसंद करते हैं, तो आप लगा सकते हैं, जैसे गोले का तेल है या कुछ थिक क्रीम है वो लगा सकते हैं। दूसरी चीज आपको लगानी है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जरूर लगाएं, बिकॉज आप बाहर खेलने जाएंगे होली और वहां सन की रेज भी पड़ेंगी तो आपको टैन होने का खतरा है या और भी कोई इफेक्ट पड़ सकता है आपकी स्किन पर, तो सनस्क्रीन जरूर लगा लें। और कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और जितना शरीर ढक सकता है इस तरीके के कपड़े पहने, जिससे कि कलर आपके स्किन को टच ना कर पाए और कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, जिससे कि अगर आप गीले भी हो जाते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि अगर कपड़ा मोटा होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो कलर अंदर नहीं जा पाता है, स्किन तक नहीं पहुंच पाता है और आपकी स्किन बच जाती है हार्मफुल इफेक्ट से। अब बात कर लेते हैं हेयर की। तो आपको हेयर पे क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको हेयर को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। और कैसे, जैसे कि आपको कोकोनट ऑयल है या कोई भी अच्छा तेल जो आप बालों में लगाते हैं उससे आपको मसाज करके खूब अच्छे से बालों में लगा लेना है। दूसरी चीज, आप बालों को बांध के रखें, जिससे कि बालों में बहुत ज्यादा कलर ना जाने पाए। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि अगर हो सके तो बालों को ढककर रखें, किसी भी चीज से आप ढक सकते हैं, आप कोई स्कार्फ ले सकते हैं उससे ढक सकते हैं, कोई कैप ले सकते हैं उससे ढक सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने बालों को बचा सकते हैं।
तीसरी चीज आ जाती है नेल्स। अगर आपके नेल्स बड़े हैं और आप उन्हें नहीं काटना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको डार्क कलर की कोई भी नेल पेंट लगा लेनी है, जिससे कि आपके नेल्स पर जो कलर है वो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। और हाँ, नेल्स के अंदर भी आप नेल पेंट लगा सकते हैं, जो कि बाद में आप आराम से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जो कलर है उससे तो वो बेहतर ही रहेगा। सो तीसरी बात हम कर लेते हैं आंखों की। आंखों को बचाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेंसेज यूज करते हैं तो इस समय यानी होली खेलते वक्त लेंसेज बिल्कुल भी यूज ना करें। कोशिश करें कि किसी तरीके का चश्मा वगैरह या गॉगल्स वगैरह आपको पसंद है वो आप पहन लें, तो आंखों को आप बचा सकते हैं इस तरीके से। और लिप्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो लिप्स को भी आप कलर खेलने जाने से पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करें और हो सके तो किस प्रूफ लिपस्टिक लगा लें, जिससे कि किसी भी तरीके के जो कलर है वो होठों पर नहीं चिपकेंगे और आपके होठ भी बच जाएंगे हार्मफुल इफेक्ट से जो कलर से होने वाला है। सो ये सारी बातें हो गई कि होली में खेलने से जाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां या क्या क्या चीजें बरतनी चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि जितना कम हो सके उतनी कम ज्वेलरी पहने तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी बातें हो गई कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब इनकी भी बात कर लेते हैं कि जब हम होली खेल चुकेंगे तो हम अपने रंग को कैसे छोड़ाएंगे। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि मेरी एक बहुत ही क्विक वाली रेमेडी, जिससे कि मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूं और आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए वो रेमेडी देख लेते हैं सबसे पहले और उसके बारे में बात करते हैं कि उसे कैसे यूज करना। सो रंग छुड़ाने के लिए जो रेमेडी हमने बनानी है उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी, और चाहिए दूध और गुलाब जल चाहिए हमें। सो आप अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप दूध के साथ थोड़ी मलाई भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मिला रही हूँ दूध को हल्दी और बेसन में। तो हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी के अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुलाब जल में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। बेसन बहुत अच्छे से कलर को साफ कर देता है, जो रंग होता है उसे हटा देता है, और जो दूध है वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रूखा सूखा नहीं होने देता है और स्किन को स्मूथ बनाए रखता है। तो इस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, इसे लगाएं और आप अपना रंग छुड़ा लें। तो ये जो रेमेडी है ये आपको कैसे यूज करनी है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चेहरे पर या कहीं भी जितना भी कलर लगा है तो सबसे पहले पानी से उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर आपके पास क्लिंजिंग मिल्क है तो उससे आप अच्छे से साफ कर लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्किन को बिल्कुल भी हार्शली रब नहीं करना है। जितना एक बार में छूट जाए बस उतना छुटा लीजिए, बाकी ज्यादा रब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई है बहुत ही छोटी सी एक चीज है, इसे आराम से आप बना भी सकते हैं, घर पे आराम से बना लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्किन पर इसे एक पतली सी, बहुत ज्यादा मोटी लेयर मत लगाइएगा, पतली सी लेयर लगानी है। और उसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके बाद इसे आपको हल्के से रब करके, बहुत हल्के पानी, अगर बहुत ज्यादा सूख गया है तो हल्का सा पानी छिड़क लें, उसके बाद उसे रब करके और आप वॉश कर लें। उसके बाद आप कोई साबुन वगैरह बिल्कुल भी यूज ना करें, जितना हो सके साबुन अवॉइड करें, यानी सोप है या कोई भी इस तरीके का चीजें शार जेल वगैरह है वो यूज ना करें, और करना चाहते हैं तो कोई बहुत ही जेंटल वाला यूज करें। दूसरी बात बालों की, होली खेल के आ चुके हैं हम और उसके बाद कलर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं बहुत बार, बहुत ज्यादा ही ज्यादा शैम्पू करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपके बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे। शैम्पू बहुत ज्यादा यूज ना करें, जितना हो सके पानी से कलर को निकाल दें और उसके बाद एक बार ही शैम्पू करें, या ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 बार शैम्पू करें, और खूब अच्छे तरीके से कंडीशनर का यूज करें, अपने बालों में कंडीशनर लगाएं, और अगर हेयर मास्क लगा सकते हैं तो हेयर मास्क भी लगाएं, उससे आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे बने रहेंगे। सो ये सारी बातें हो गई कि हमें होली में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करके आप बच सकते हैं और अपनी स्किन को भी बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अगर हेल्पफुल रहे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जान सकें और अपनी होली को खुशहाल बना सकें। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे अभी तक आप देते आए हैं। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।